गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेठ श्री भगवान दास तोदी पीजी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज अपन बीएससी पार्ट सेकंड में पेपर है अपना थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो पेपर है ये आपका है बीएससी पार्ट सेकंड ईयर फिजिक्स में फर्स्ट पेपर। सेकेंड पेपर आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, और थर्ड पेपर है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स। अभी अपन जो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पेपर, ये आपका सेकंड, ये थर्ड, ये है फर्स्ट वाला थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। देखिएगा, पहले तो आपके ये जो फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट, ओनली स्टैटिस्टिकल का नहीं, ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसका कुछ पार्ट है और इसका पार्ट है, वो लगभग आपके सेम है। वही फर्स्ट ईयर की तरह इसमें भी अपने को हर एक यूनिट से एक दो क्वेश्चन आने हैं, और जो सात पाँच क्वेश्चन तो पूरे पेपर में आएंगे आपके। और वही तो फर्स्ट ईयर का पैटर्न था, उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर के जैसे ए बी सी डी ई एफ वाले छः पार्ट आ गए, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन। तो यूनिट्स तो आपके चार ही हैं, ठीक है। तो अपनी जो फर्स्ट और सेकंड दो यूनिट हैं वो तो है हीट, टेम्परेचर, इनसे रिलेटेड। फिर आता है आपके थर्मोडायनेमिक्स में क्या लिखा है, स्टैटिस्टिकल। इसको आप बेसिकली पढ़ के आए हो इलेवंथ में। अब आती है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। स्टैटिस्टिकल में आपके सांख्यिकी है, भौतिकी। इसमें आपके क्लासिकल और क्वांटम दो टाइप की अलग अलग होगी। तो अपन जो पढ़ेंगे सांख्यिकी भौतिकी में, आपके लास्ट की दो यूनिट हैं, थर्ड यूनिट है एक तो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की, उसके बाद जो आती है आपकी फोर्थ यूनिट है वो है क्वांटम की। तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड को। थर्ड क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स वाली, देखो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, देखो क्लासिकल तो बाद की बात है, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकीय। भौतिकी देखो, ये भी अपन क्लासिकल और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स किस में पढ़ेंगे, थर्मो के अंदर ही अपने हैं स्टैटिस्टिकल का पार्ट। तो सबसे पहले आपको बेसिकली जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट अभी अपन नहीं कर रहे हैं, तो उसकी जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या है, थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर। देखो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विथ हीट एंड टेम्परेचर, एंड किससे, रिलेशंस ऑफ डिफरेंट या फॉर्म ऑफ एनर्जीज लाइक सच एज, कौन कौन सी, जैसे कि केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एटसेट्रा। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, वही बहुत विज्ञान की एक शाखा है जिसमें ऊष्मा का, तापमान का और विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है, या इनमें आपस में एनालिसिस किया जाता है, थर्मोडायनेमिक्स है। अब देखो अपन पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी सिस्टम या
निकाय के जो मैक्रोस्कोपिक स्थूल गुणों का है अध्ययन किसमें करते हैं, माइक्रोस्कोपिक में या सूक्ष्म रूप में। देखो स्टैटिस्टिक्स क्या है, सबसे पहली बात तो देखो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि सिस्टम और निकाय क्या है। निकाय वही जिसमें, जैसे ये एक बोर्ड है, इसमें जिन भी चीज़ों को अपन एनालिसिस करना चाहते हैं उनको रखा सिस्टम, और इसके बाहर का आसपास का जो भी है वो क्या है, इसका सराउंडिंग है, इसका परिवेश है। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निकाय के स्थूल गुणों का, स्थूल गुण मतलब कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज निकाय के स्थूल गुणों का अति सूक्ष्म गुणों यानी कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के रूप में अध्ययन किया जाता है। अब देखो आपको जहाँ पर भी एक माइक्रो और मैक्रो और माइक्रो की जो टर्म है वो आपको ध्यान में रखना है, बार बार में स्थूल और सूक्ष्म में आप खुद भी कंफ्यूजन हो सकते हो। मैक्रो है स्थूल है बड़ा है, माइक्रो है छोटा है सूक्ष्म है, ठीक है। तो ये तो है स्टैटिस्टिक्स। अब बात आती है कि स्टैटिस्टिक्स भी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, क्लासिकल और इसके साथ क्लासिकल में आते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स, दूसरी है आपकी क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। अब देखो दो, इसको तो हिंदी में भी क्वांटम यांत्रिकी क्लासिकल को इसको लिखते हैं अपन, कई जगह आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, चिरसम्मत सांख्यिकी, ठीक है। मैंने बताया कि आपकी थर्ड और फोर्थ यूनिट है, थर्ड है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स पर बेसिस, फोर्थ है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स पर। तो अपन अभी का क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, क्लासिकल या चिरसम्मत सांख्यिकी। अब देखो क्वांटम सांख्यिकी और ये है आपकी चिरसम्मत सांख्यिकी। क्वांटम में तो क्या होता है आपके, जैसे आपने पढ़ा है कि प्रकाश है वो अनेक ऊर्जा के कण फोटोन है उनके रूप में माना है, तो वो क्या छोटे छोटे कणों का एनालिसिस है, वहाँ पर तो वो विविक्त रूप में होता है। और क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है आपके, इंटीग्रेटेड, मतलब कि जो अलग अलग से मॉलिक्यूल्स है, जैसे द्रव है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। तो जब क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में अपन एनालिसिस करते हैं तब तो क्या होता है, हर एक मॉलिक्यूल की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का, सॉरी क्वांटम में, लेकिन यही जब क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में करते हैं तो क्या करते हैं, उन सब का ना लेकर कि एक एवरेज फॉर्म में लेते हैं, जैसे समेशन कर देते हैं या इंटीग्रेशन कर देते हैं, वो आता है क्लासिकल में। और जब अलग अलग मॉलिक्यूल का अलग अलग एनालिसिस करते हैं, वो किसका, जैसे वेग है, चाल है, ऊर्जा है, ताप, अलग अलग ताप दाब पर करेंगे, वो क्या आ जाएगा क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में। तो देखो सबसे पहले अपन डिफरेंस देखेंगे
कि क्लासिकल और स्टैटिस्टिक्स देखो, कोई भी अपना ये सिस्टम है, ठीक है, ये क्या है, सिस्टम है अपना। तो इसके एनालिसिस करने के लिए अपने पास अभी क्या है, दो अप्रोचेज है। कौन कौन सी? स्टैटिस्टिकल और दूसरी क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। ये है आपकी स्टैटिस्टिकल। तो इनमें डिफरेंस देखते हैं। इधर मैंने लिखा स्टैटिस्टिकल, मतलब कि सांख्यिकी। इधर लिखा अपन ने क्लासिकल। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज से। देखो, सबसे पहली बात, स्टैटिस्टिकल सांख्यिकी क्या है, माइक्रोस्कोपिक। ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक। मैंने आपको बताया माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्म, जिसमें कण का है वो अलग अलग एनालिसिस करते हैं हर एक मॉलिक्यूल का, ठीक है। क्लासिकल को क्या बताया मैंने, मैक्रोस्कोपिक या स्थूल। देखो मैं यहां लिख देती हूँ सूक्ष्म, ये क्या है, स्थूल, ठीक है। दूसरी बात आती है कि इसका एनालिसिस, अब ये देखो क्या लिखा है अपने, स्टैटिस्टिकल जो सांख्यिकी है वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्म है। तो इसमें जो एनालिसिस होगा वो किस बेसिस पर होगा, वो होगा अलग अलग पार्टिकल के एनालिसिस पर। तो इसका जो एनालिसिस होगा, एनालिसिस इज बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक। किस तरीके से होगा, तो एनालिसिस है इसका वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के, तो ये क्या होगा, प्रॉपर्टीज लाइक, या फिर इट इज बेस्ड ऑन लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका एनालिसिस है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज पर डिपेंड होगा, जैसे लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पर। उसमें क्या होगा, उसका एनालिसिस किस पर बेस्ड होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज का नहीं होगा, उसमें क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर पर, उसका समेशन या इंटीग्रेटेड फॉर्म के अंदर। तो इसका जो एनालिसिस होगा is based on quantities of matter it does not consider the matter at मोलिक्यूलर लेवल। देखो, ये इसका फर्स्ट था कि इसका एनालिसिस किस पर बेस्ड है, लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर। इसका जो एनालिसिस है वो क्या है, क्वांटिटीज ऑफ मैटर पर। इट डज नॉट कंसीडर द मैटर एट मॉलिक्यूलर लेवल। अलग अलग मॉलिक्यूल का इसमें अलग अलग एनालिसिस नहीं करेंगे, बल्कि उनका इंटीग्रेटेड फॉर्म में ही करेंगे। देखो दूसरी बात, इसमें क्या है, अलग अलग मॉलिक्यूल का करेंगे,
तो इसमें क्या होगा, इसकी स्टैटिस्टिकल की व्याख्या करने के लिए क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स अपने को रिक्वायर्ड होंगे। तो लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर रिक्वायर टू किसके लिए, किसका डिस्क्रिप्शन के लिए, एक सिस्टम के लिए। तो लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द सिस्टम। इसमें क्या होगा, इसमें तो अपन एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में लेंगे, जैसे अपन लगा देते समेशन n इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, अनंत तक अपन पहुंच तोड़ ना पाते, कुछ का एवरेज लेकर करते हैं, प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं, इसके लिए प्रायिकता के नियमों का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, लेस नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द सिस्टम। ठीक है, तीसरी बात, माइक्रोस्कोपिक है सूक्ष्म कणों का, तो इसके अंदर तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का एनालिसिस करेंगे, जैसे उसका वेग होगा, वेलोसिटी होगी, उसकी एनर्जी होगी, जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्पीड का करेंगे, और इसके अंदर किन का किन की रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ की नीड होती है, जैसे प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ, टेम्परेचर हुआ। देखिएगा, माइक्रोस्कोपिक स्टेट किसकी है, स्टैटिस्टिकल्स की। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए टू एक्सप्लेन द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम वी नीड किस किस की अपने को रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी एंड स्पीड, किसकी, ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये तो है इसका। अब जब ये अपन इसका करेंगे मैक्रोस्कोपिक में, तो उसमें क्या होगा, अपन एक लार्ज फॉर्म पर जब करते हैं सिस्टम का, तो इसके लिए क्या करेंगे, अपन इसको एक्सप्लेन करने के लिए वी नीडेड प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, वही थर्ड पॉइंट है, इसको माइक्रोस्कोपिक को तो प्रॉपर्टीज को सिस्टम की जो होगी, तो वी नीड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, सबकी अलग अलग। दूसरी बात, जब थर्ड पॉइंट इसका लिखेंगे मैक्रोस्कोपिक का, इसका अपन एक स्थूल रूप में या बड़े रूप में एनालिसिस करते हैं, तो अपने को क्या है, कुछ प्रॉपर्टी जैसे कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट है, देखो मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ इसको, देखो तीन अपन ने पढ़े अभी तक, माइक्रोस्कोपिक में अपने को क्या करना है, मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर करना है एनालिसिस, इसमें अपने को क्वांटिटीज पर करना है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता, एवरेज वैल्यू ली जाती है डायरेक्टली। दूसरा,
इसमें जब मॉलिक्यूलर लेवल पे करेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स अपने को रिक्वायर्ड होंगे, इसमें लेस नंबर ऑफ वेरिएबल्स। थर्ड, इसके लिए तो अपने को हर एक पार्टिकल की ऊर्जा, उसमें ऊर्जा कितनी है, ऊर्जा वितरण में उसको कितनी ऊर्जा मिली है, कितनी और रिक्वायर्ड है, उसमें अणुओं की चाल क्या है, वो कितनी गति से किसी से टकरा रहे हैं, दूसरे अणु से टकरा रहे हैं, ये सब का अपने को पता होना चाहिए। और इसका अपने को देखने के लिए इसके एक सूटेबल मतलब आइडियल पोजीशन अपन लेते हैं, जिसमें ताप दाब आयतन सब आइडियल पोजीशन में होते हैं। फोर्थ कि देखो ये तो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गई हर एक की। एक तो अपने को कह दे कि आप इंटीग्रेशन ही कर दो सीधा, एक आपको कहे कि अब एक एक पार्टिकल का आप अलग अलग से एनालिसिस करो, तो वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स। तो ये वाली जो स्टैटिस्टिकल है ये तो क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म काफ़ी जटिल हो गया, और ये क्या है अपने इजी गोइंग में हो जाता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस तो क्या करते हैं अपने को एक स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल जो मेथड होता है एक स्पेसिफाई, और इसमें क्या होता है क्लासिकल में ओनली वी हैव एक सिंगल जो फॉर्मूला मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा वो इस क्लासिकल में अपने को रिक्वायर्ड होगा। तो इट रिक्वायर्स एन एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल फॉर्मूला टू एक्सप्लेन एंड चेंजेस इन सिस्टम। इसमें क्या होगा अपने को, इट रिक्वायर्स ओनली सिंगल मैथमेटिकल फॉर्मूला टू एक्सप्लेन एंड चेंजेस इन सिस्टम। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये था अपना स्टैटिस्टिकल और क्लासिकल में डिफरेंस। अपने को एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि स्टैटिस्टिकल और क्लासिकल में आप डिफरेंस या पांच अंतर लिखे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब अपन पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिकल का पार्ट अपन ने स्टार्ट किया है, तो अपने को ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका, देखिएगा स्टूडेंट, ये आपके समझने के लिए है। आगे हम पढ़ेंगे। अब क्या है, पहले अपन थर्ड यूनिट में क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। तो अब अपन वो अवस्थाएं पढ़ेंगे जिसमें क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स या चिर सम्मत सांख्यिकी वेद होती है। तो ये करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।